देखिए, महापुरुष का जो टाइटल है वो अपने आप में संबोधित करता है कि किसी महान व्यक्ति की आत्मकथा जो है इसमें फिल्माई जाएगी। और ये जो कहानी है मुनिवर विद्याधर जी की कहानी है, जो दैन धन से संबंध रखते हैं, और मैं इस कहानी में उनके पिता का रोल कर रहा हूँ। तो ये फिल्म जब बन के आएगी तो डेफिनेटली लोगों में एक जिज्ञासा पैदा करेगी और लोग इसे देखना पसंद करेंगे, और मेरी उम्मीद है कि फिल्म जो है चलेगी और लोग इसे डेफिनेटली पसंद करेंगे। अंतरयात्री महापुरुष ये फिल्म बनने जा रही है। महापुरुष अपने विद्यासागर जी के जीवन यात्रा पर, और जब भी ऐसी कोई अच्छी फिल्म बनने जाती है तो इसके मार्गदर्शक तो खुद वो महापुरुष होते हैं जिनके ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। और मेरा नसीब अच्छा है, मैंने भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इसमें एक बहुत अहम किरदार करने को मिल रहा है। मैं महापुरुष की माँ का किरदार निभा रही हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा धार्मिक वृत्ति की हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसका प्रचार करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे विचारों की अगर फिल्म बनती है तो हमारे साथ साथ हमारे आगे की जो पीढ़ी है उन तक भी ये बातें पहुंचती हैं, हमारे संस्कार पहुंचते हैं। ये ऐसे हैं कि अपने कुटुंब में अंदर ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, इससे हम गर्व का महसूस करते हैं। आजकल वो एक विश्व में ऐसे जैन धर्म में विख्यात साधु बन गए हैं, उनके बहुत से अनुयायी हैं, सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। जी, विद्यासागर जी महाराज पे एक फिल्म बन रही है अंतरयात्री महापुरुष, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और आज इसका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है जिसे मैंने गाया है, और सतीश देरा जी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सुरेले कंपोज़र है, उनके लिए मैंने ये गाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि धर्म के इस क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। बस मैं ये कहूँगा कि सुधाकर शर्मा जी ने बहुत बढ़िया, मैं अपने गाने की बात कर सकता हूँ तो, क्योंकि जो मुझे गाना दिया गया है तो बहुत ही बढ़िया लिखा है उन्होंने। और इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं वो अनिल जी हैं, और सतीश डेरा जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंपोज किया है कि सुन के ही मज़ा आ गया, गाने के बाद तो और मज़ा आएगा। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, ये मुहूर्त है बहुत ही एक महान फिल्म का। मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बायोपिक बन रही है और उस बायोपिक के ऊपर ये फिल्म है, और इसमें मैं भी एक बहुत सुंदर भजन गा रहा हूँ, एक कव्वाली नुमा भजन मैं भी गा रहा हूँ। डैडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और डैडी के साथ मतलब ऐसी प्रोजेक्ट्स में जुड़ना, और जब डैडी रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें भी मैं सुनूंगी कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे बहुत बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है इस बहाने। तो मैं बस डैडी को थैंक यू कहना चाहूँगी। सर, ये इसमें मेरे 11 गाने हैं, और इन तमाम गानों में जो हमारे महाराज जी हैं जिनके ऊपर विद्यासागर जी जो उनकी बायोपिक बन रही है, और मैंने कोशिश की है कि हर गाने में उनकी एक कहानी हो। सबसे पहले तो महाराज श्री के चरण में वंदन विद्यासागर जी महाराज साहब के। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म का रूप जो लेगी ये फिल्म सभी श्रोताओं को पसंद आएगी।